Hello everyone, welcome to my channel, and in today's video I'm going to share my morning skincare routine with you. If you don't know me, my name is Rai and I have worked with many skincare brands since last few years. I'm going to share the best of them with you based on my experience. So stay tuned and let's get started. So इस वीडियो में मैं एक CSMS रूटीन शेयर करने वाली हूँ, जो कि है क्लिंजर, सीरम, मॉइस्चराइजर एंड सनस्क्रीन रूटीन। तो ये वेरी बेसिक स्किन केयर रूटीन होता है और इसमें मैं प्रोडक्ट्स जो यूज़ करने वाली हूँ वो मेरे स्किन टाइप के लिए सही है। सो थ्रू आउट द वीडियो मैं आपको और भी प्रोडक्ट रिकमेंडेशन बताने वाली हूँ बेस्ड ऑन योर स्किन टाइप। सो डोंट फॉरगेट टू वॉच द वीडियो टिल द एंड। तो चलिए शुरू करते हैं विद द फर्स्ट स्टेप, विच इज़ क्लिंजिंग। एंड हियर आई एम यूजिंग द क्वेंच यूजू फाइन विटामिन सी फोमिंग फेस वॉश। सो इट इज़ गुड फॉर नॉर्मल स्किन टाइप। अगर आपका स्किन ऑयली है तो यू कैन ट्राई सेटाफिल और डॉटन की का सैलिसिलिक एंड ग्रीन टी फेस वॉश। और अगर आपका स्किन सेंसिटिव है तो यू कैन ट्राई सिंपल और बायोडर्मा फेस वॉश। दे आर रियली गुड फॉर सेंसिटिव स्किन टाइप। सो आपको फेस वॉश चूज़ करने के टाइम ऑलवेज ध्यान रखना है कि आप अपना फेस वॉश अपने स्किन टाइप और कंसर्न के हिसाब से चूज़ करो। सो नेक्स्ट स्टेप इज़ द सीरम, एंड हियर आई एम यूजिंग द नाइसिनामाइड 10% विच इज़ फ्रॉम मिनिमलिस्ट ब्रांड। आप कोई भी फेस सीरम चूज़ कर सकते हो, जैसे कि विटामिन सी विच इज़ गुड फॉर ब्राइटनिंग स्किन, देन वी हैव हाइलुरोनिक एसिड विच इज़ गोइंग टू बूस्ट योर स्किन हाइड्रेशन, देन यू कैन चूज सैलिसिलिक एसिड इफ़ यू हैव एक्ने इशूज, और यू कैन चूज मल्टीपेप्टाइड सीरम इफ यू आर फेसिंग स्किन एजिंग प्रॉब्लम्स। सो देर आर मल्टीपल सीरम अवेलेबल इन द मार्केट, ऑलवेज चूज अ सीरम एज पर योर स्किन टाइप। तो जैसे कि आप देख पा रहे हो, मैं ऑलवेज थोड़ा सा फेस मसाज करती हूँ वाइल अप्लाइंग द सीरम। सो मेक श्योर कि आप जब भी सीरम अप्लाई करो अपने स्किन में, आप उसको थोड़ा सा टाइम दो ताकि वो स्किन में प्रॉपरली एब्जॉर्ब हो सके। अगर ऐसे ही आप जल्दी में नेक्स्ट स्टेप के लिए प्रोसीड करोगे तो वो आपकी स्किन में इफेक्टिव नहीं होता है। नाउ लेट्स प्रोसीड टू द नेक्स्ट स्टेप विच इज़ द मॉइस्चराइजर। सो हियर आई एम यूजिंग द डॉटन की विटामिन सी प्लस ई सुपर ब्राइट मॉइस्चराइजर विच इज़ वेरी लाइट वेट एंड क्विक एब्जॉर्बिंग द स्किन। तो अगर आपका स्किन सेंसिटिव है तो आप सेटाफिल या सिंपल जैसा ब्रांड ट्राई कर सकते हो। 100% दे आर नॉट गोइंग टू कॉज एनी हार्म टू योर स्किन। तो अगर आपका स्किन ड्राई है तो यू कैन ऑलवेज गो फॉर अ मॉइस्चराइजर विच कैन मॉइस्चराइज प्लस हाइड्रेट योर स्किन एट द सेम टाइम, जैसे कि बायोडर्मा हो गया, फॉक्सटेल हो गया, और या फिर आप न्यूट्रीजना का भी हाइड्रो बूस्ट मॉइस्चराइजर ट्राई कर सकते हो। इट इज़ रियली गुड फॉर योर स्किन। तो हर एक स्टेप में आपको मेक श्योर करना है कि इस प्रोडक्ट आप इवनली स्किन में अप्लाई कर रहे हो और उसको टाइम दे रहे हो कम्प्लीटली अब्जॉर्ब होने के। तो इसके लास्ट स्टेप है सनस्क्रीन, एंड हियर आई एम यूजिंग द डॉटन की वाटरमेलन कूलिंग सनस्क्रीन, जो कि SPF 50 प्लस PA++। तो ऑलवेज अप्लाई द टू फिंगर रूल। तो सनस्क्रीन ऐसा चीज़ है जो आपको कभी स्किप नहीं करना है, क्योंकि ये स्किन के लिए बहुत ही अच्छा होता है और ये यूवी रे से आपका स्किन प्रोटेक्ट करता है। और मेक श्योर आप हर 3-4 घंटे में सनस्क्रीन को रीअप्लाई कर रहे हो। यू कैन ट्राई सनस्क्रीन ब्रांड्स लाइक फॉक्सटेल, सेटाफिल, देन यू कैन गो फॉर एक्वालॉजिक, और यू कैन गो फॉर डॉटन की प्रोडक्ट्स। दे आर रियली गुड एंड दे डोंट लीव एनी वाइट कास्ट टू योर स्किन, एंड दे आर वेरी क्विक एब्जॉर्बिंग। एंड मेक श्योर यू ऑलवेज चूज योर SPF रेंज बिटवीन 30 to 50, विच इज़ गुड फॉर इंडियन स्किन टाइप। तो दिस इज़ इट गाइस, वॉज अ बेसिक स्किन केयर रूटीन, और ये आप रेगुलरली फॉलो कर सकते हो। इसमें मैंने कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी प्रोडक्ट्स यूज़ नहीं किया है, और ये प्रोडक्ट्स ईजिली अवेलेबल है नायका या फिर अमेज़ॉन में, या फिर आप कोई भी शॉप में जाके भी इसको परचेज कर सकते हो। इफ़ यू फॉलो दिस रेगुलरली, आई एम श्योर कि आपकी काफ़ी सारे स्किन प्रॉब्लम्स भी दूर हो जाएंगे। सो आई होप यू लाइक दिस वीडियो, एंड इफ़ यू लाइक दिस वीडियो डोंट फॉरगेट टू गिव इट अ थम्स अप। मोर सच वीडियोज़ प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू, बाय बाय।